नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी चिली गोभी बनाना। मैंने थोड़ा सा आरा रोड लिया, मैदा लिया, इसको मिक्स कर लिया, हल्का सा मिर्ची पाउडर डाला है, अदरक को मैंने कूट के रखा है, शिमला मिर्च काट लिया है, प्याज को भी काट लिया, गोभी को काट लिया है। अब मैं इसको फ्राई करूँगी। जैसे कि आप देख सकते हैं तेल गर्म हो गया है। अब मैं इसमें गोभी डालूंगी फ्राई करने के लिए। इससे गोभी थोड़ी कड़क बन जाती है और बहुत प्यारा लगता है। गोभी को मैंने फ्राई करके रख लिया, अब मैं इसको बनाने जा रही हूँ। अब मैं इसमें डालूंगी लहसुन। अब मैं डालूंगी इसमें प्याज। अब इसमें डालूंगी शिमला मिर्च। अब मैं इसको करूंगी फ्राई। हल्का 5 मिनट तक इसको फ्राई करूंगी। अब प्याज मेरा पक गया है, मैं इसमें डालूंगी लाल मिर्ची पाउडर हल्का सा। उसके बाद नमक डालूंगी स्वाद अनुसार। फिर और मिर्ची पाउडर मैंने डाल दिया है, ये पिसी हुई वो डालूंगी काली मिर्च। अजीनोमोटो डालूंगी इसमें मैं। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। अब 1 चम्मच मैं डालूंगी सेजवान चटनी इसमें, सोया सॉस, आधा चम्मच डालूंगी विनेगर। लास्ट में अब इसमें मैं गोभी डालूंगी जो फ्राई करके रखी हूँ। अब इसको मिक्स करूंगी। मेरा चिली गोभी बनके एकदम फर्स्ट क्लास रेडी है, बहुत स्वादिष्ट होता है। एक बार आप बनाइए, एक बार खाएंगे, बार बार बनाएंगे। और इस मेहनत के लिए आप मुझे लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। क्यों?